नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लड़की ससुराल छोड़कर नहीं थी, कैसे समा सकती है समझा? मुझ पर तरस खा। लड़की वालों के साथ तो हम ऐसे ही झुके रहते हैं, मैं तुम्हारे पांव पड़ता। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं दुनिया में सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बच्ची है, तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं पिताजी, आपकी बेटी की अगली परीक्षा हो रही है। देखो मां, नाटक हो तो ऐसा, जैसे हीरोइन किसी दर्दनाक सीन के लिए बाल बिखेरे, आंखों में ग्लिसरीन के आंसू भरे स्टेज पर आती है, ठीक उसी तरह हमारे भाभी ने एंट्री ली है। वाह, ताली बजाने चाहिए ताली। कमबख्त, बाप को नाटक दिखाने आई है। नौकरों के फटे पुराने चिथड़े ही लपेट कर आना था तो कम से कम बालों में कंघी तो कर ली होती। हराम, बचुगनी तो देखो, हाथ में सुहाग की चूड़ियां तक नहीं। दायर, मेरा इकलौता बेटा परदेश गया हुआ है, पर तू क्यों उसकी खैर मनाने लगी? तू तो यही चाहती है कि रास्ता साफ हो जाए और तू रमा जाए। खबरदार, जो मेरे सुहाग की तरफ उंगली उठाई तो आंखें दिखाती है उल्टा। पिताजी, मेरी बच्ची। पिताजी, पिताजी, जोर तो नहीं बेटे? पिताजी, नहीं बेटे, ये खून नहीं है, ये पानी है। अगर खून होता नहीं बच्ची, बेटी की तड़प देखकर इस मनहूस दुनिया में आग न लगा दे। चलो बच्ची, इसी वक्त मेरे साथ चलो। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आपने तो कहा था कि भले घर की बेटियां डोली में बैठकर पति के घर आती हैं और अर्थी पे जाती हैं, जो मुझे डोली में लाए थे अब उन्हीं के कंधों पर मेरी अर्थी इस घर से जाएगी। आप जाइए पिताजी, आप जाइए। नहीं नहीं बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी सौगंध पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी अपने माथे से ये झूठे कलंक का टीका इसी जन्म में मिटा सके, इसी जन्म में। चाहिए बैरी हो गई हो? ए धनिया, सहती रही और मुझे मुझे एक भी शब्द नहीं लिखा तुमने। अब तो मुझे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? सासे बापी, तुम्हें मुझे डोले में बिठा कर इस घर में लाएगा। अब तुम्हें मुझे कंधा देकर शमशान तक नहीं पहुंचाओगे। सीता,
रोना नहीं। माँ! नहीं, माँ से कुछ मत कहना, नहीं, 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 नहीं। माँ! मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने इसकी क्या गत बना रखी। माँ से कौन पूछते हो, रानी जी से पूछो ना। मैं इसे तुम्हारे पास यहाँ इलाज के लिए छोड़ के गया था। वापस आकर देखता हूँ कि सारे घर का काम ये अकेली कर रही है, घर में एक भी नौकर नहीं। क्या करती, नौकरों से सारे शहर में खिलौना पिटवाती, घर की बहू सच सच कर रातों को बाहर भटकती है। सुन लो, बच्चलन इस घर में जहाँ कोई नौकर नहीं रह सकता। माँ, अगर ये बच्चलन होती तो तुम्हारे जुल्म इस तरह ना सकती। ओ चोरों के गुदाम, पर इस चुड़ैल ने जादू कर दिया। ये बच्चलन खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही, और तू चाहता है मैं बैठी चुपचाप देखती रहूं, मगर मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। तो तुम क्या चाहती हो, इसकी जान लेना लो महाजानों से। हराम, माँ को खून भी ठहराता है। मैं कहता हूँ दबा दो इसका गला, बचा लो अपने पुरखों की इज्जत। चल 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 चल, अब तो इस घर में पानी पीना भी पाप है। चल आप रुकिए, माँ को रोकिए। माँ, माँ जी, माँ जी, मत चलिए, माँ जी मत जाइए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मैं चली जाती हूँ। दोष तो मेरा है या मेरी तस्वीर का, तू आ जा मेरी नजरों के सामने से। उल्टा किसी को जाने तो हम दोनों चले जाएंगे। तुम क्यों जाओ अपने पुरखों की हवेली छोड़कर? नहीं राम, हम नहीं जाएंगे, माँ को अकेली छोड़कर नहीं जाएंगे। सुनो, वो हमारी माँ है, उससे में अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हम उनको छोड़कर चले जाएंगे? ये मेरी वजह से भी है कि झगड़ा मेरी वजह से हुआ, उसकी सजा मुझे दो, पर माँ को क्यों? तुम्हें रहना हो तो रहो, मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकता। ये घर घर नहीं नर्क हो गया है, यहाँ इंसान की कोई भी कीमत नहीं। पागल मत बनो राम, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें जाना ही है तो मेरी लाश पर से जाना होगा। सीता, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि ऐसी कुलक्षणी बहू आई कि माँ बेटे में झगड़ा करवा दिया। यही यश दिलवाना चाहते तुम अपनी सीता को, मैं तो सुनकर शर्म से मर जाऊंगी। पिताजी सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे कि उनकी बेटी इतनी होनहार निकली। कहेंगे क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोत कर बड़ा किया था, और कहेंगे भगवान तू जैसी बेटी सबको दे। राम, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज आंचल पुसार कर तुमसे भीख मांगती हूँ। घर छोड़कर मत जाओ, मत जाओ राम। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं रख सकते, इतनी सी, सिर्फ इतनी सी? हो गई? नहीं, भैया को देखकर उनकी तबीयत अचानक बिगड़। इसे बुझा दो राम, अंधेरों से इतना लगाव हो गया है कि उजाले अब काटने को दौड़ते हैं। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मामा जी के यहाँ शादी पर जाना है। तुम चले जाओ राम, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ना ना, माँ जी को बुरा लगेगा, ना जाने वो क्या क्या सोचेंगी। माँ जी कुछ भी सोचे, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अगर तुम दिल से यही चाहती हो तो। इतना प्यार ना दो राम, जिंदगी से मोह बढ़ता जाता है। राम बेटा,
जाओ, माँ जी बुला रही है। जाओ ना। जाऊं? जब लौटोगी तो देखोगे सीता तुम्हारी राह में आंखें बिछाए बैठी है। मेरे मन मंदिर की बाजी तुझे रैन दिवस में देखो रही फिर भी अखियां प्यास को मेरी आत्मा में लीन हो जाने दो। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। आज की रात हमारे मिलन की रात है नील कमल। आओ। तुम्हें आना ही होगा। आओ। आओ। चलिए आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, 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 राम, राम, तुम कहाँ को गए? रात गए तन्हा, जरूर कोई बात है। चलिए आओ नील कमल। आओ
सरकार ये तो मौत के मुंह में जा रही है। ताज्जुब है, इतनी तेज गाड़ी से गिरकर भी बिल्कुल चोट नहीं आई। हुजूर, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इन्हें संभाल कर जल्दी से जीप में लिटा दो। बहुत अच्छा। सुनिए, कल सुबह 10:30 बजे मिस्टर राम को पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा, और हाँ, साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस। थैंक यू सर। राइट, ठहरो। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। क्यों? आहा, बड़ी दूध की धोई बनती है। एक तो आधी रात को पुलिस पकड़ कर लाई, और ऊपर से पूछती है क्यों। निकल जाएंगे यहाँ से, नीच कुल्टा। नीच कुल्टा कलंकनी सुनते सुनते मेरे कान पक गए। लेकिन माँ, अगर मैं चली गई तो आपका बेटा भी इस घर से चला। आप तुमने सब कुछ सुन लिया। देखो माँ से झगड़ा मत करना, तुम्हें मेरी कसम, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारा प्यार तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है। यकीन करो इनके इल्जाम मेरे दिल पर कोई असर नहीं करते। सीता, जिस दिन माँ ने मेरी सगाई तुमसे पक्की की थी, मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। जानती हूँ। मैंने तुम्हें मन से तन से वचन से सोते जागते जान से ज्यादा प्यार किया है। मेरे दिल की धड़कने गवाह है। तुम्हें याद होगा तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। हाँ, और ये भी कहा था कि बार बार तुम्हारे लिए ही जन्म लूंगी। चांद में दाग नजर आया, मगर मुझे अपना चांद बेदाग लगा। अरे ऐसी बातें सबके सामने मत कहो। नहीं, आज ये सब बातें सबके सामने यहीं और इसी वक्त कहनी होंगी। ये लोग जो तुम्हें नीच बेशर्म और उल्टा कहते हैं, आज आज मैं ये कहूं कि ये सब लोग ठीक कहते हैं, सच कहते हैं, तो राम मत छुओ मुझे। तो तुम भी अपनी सीता की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हो? आज इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तो फिर मैं इस धरती का बोझ नहीं बनूंगी। इतने दिन तक इस घर में मैंने सब जुल्म सहे, सिर्फ एक तुम्हारे प्रेम तुम्हारे विश्वास के सहारे। जब तुम्हारा विश्वास ही मुझ पर से उठ गया, जो मेरी जन्म जन्म की पूंजी थी, अब तुम कहोगे भी तो मैं यहां नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। मुझे आशीर्वाद दो, जिस कलंक को जीते जी ना मिटा सके, मर के तो मिटा सकूं। मेरी बेटी, मुझे लुटा दो, मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। मैं वचन देता हूं अब हम बाप बेटी इस दरवाजे पर फिर कभी नहीं आएंगे। यहां नहीं है तुम्हारी बेटी। हाँ नहीं है तो फिर कहां है? पुलिस वाले तो कहते हैं एक्सीडेंट के बाद उसे यहां छोड़ गए थे। सुनो समझी, ये इज्जतदारों की हवेली, उल्टाओं का आश्रम नहीं। उल्टा उल्टा थी जब तुम्हारे अत्याचार सहती रही, और उस तक उल्टा थी जब दासी की तरह पति की चौखट पूछती है। जो कुछ भी थी समझन, मेरे तो दिल का टुकड़ा थी,
दो बरस की थी जब उसकी मां मर गई। मैंने उसे मां की तरह पाला है, मां बाप भाई बहन उसका सब कुछ मैं ही तो था। बिन मां की बच्ची को तुम्हारे कदमों में डाल गया था समझ, उसको धक्के मार के निकालने से पहले इस बदनसीब बाप को बुला तो लिया होता, मैं उसके आखिरी दर्शन तो कर लेता। अब उसको कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, तुम ही बताओ, कहां निकाल फेंका है उसे? निकाल फेंकने की क्या जरूरत है, वो खुद ही मौका ढूंढ रही थी घर से भाग जाने का। ऐसा न कहो समधन, तुम्हारे घर में भी बेटी है, क्या तुम नहीं जानती बेटी की बदनामी सुनकर एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है? राम की मां अगर हर सास तुम्हारे जैसी संगदिल हो जाएगी तो बाप बेटियों के ब्याह नहीं करेंगे, पैदा होते ही उनका गला घूंट आ जाएगा। बस बहुत हो चुकी बाबा, ऐसे ही इज्जतदार थे तो अपनी बेटी के करतूत देखकर किसी अंधे कुएं में छलांग लगाकर मर जाते। लोग कहते तो सही कि बदसलन बेटी का बाप गैरतमंद निकला। जाओ, चले जाओ यहां से। जाता हूं, लेकिन अगर मेरी सीता को कलंक लगाया तो धरती का कलेजा फट जाएगा, आसमान टूट पड़ेगा। हां सुन, तो बहुत कुछ सुन चुका। नहीं नहीं, तुम्हें सुनना पड़ेगा बेटा। मेरी भूल की सजा मेरी बच्ची को क्यों नहीं? मुझसे भूल हुई, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि सीता को नींद में चलने की बीमारी है, यही वजह थी कि उसे कॉलेज के हॉस्टल से निकाल लिया गया था। लेकिन बेटा, लोगों ने इस रोग को बदचलनी समझ लिया। उस रात जो गाड़ी को नींद में चलाकर ले गई थी वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। पहले भी एक बार इसी तरह नींद में मौत के खतरे से बेखबर वो रेल की पटरी पर चली जा रही थी, वो गाड़ी के नीचे आ जाती लेकिन एक भले आदमी ने उसे बचा लिया। काश उसे मर जाने देता, मेरी बच्ची के माथे पर ये कलंक तो न लगता। होश में तो हो? मरने का इरादा था? मरना? मैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। ताज्जुब है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अगर मैं बचा नहीं लेता इस गाड़ी के नीचे आ गई। आत्महत्या महापाप है बेटी, कायरता है। लेकिन मेरा जीवन धरती छाती का बोझ बन गया है। राम राम, ऐसा न कहो बेटी, भगवान का दिया हर जीवन वरदान है, और फिर जीवन में दुख सुख तो धूप छांव की तरह आते हैं, महानता तो उनको हंसते हंसते झेलने में ही है। और अब तुम मां बनने वाली हो। मैं क्या करूंगी, मैं कहां जाऊंगी, मैं कहां जाऊंगी? घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारे पिताजी को खबर भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैंने तो उनसे कहा था कि पति के कंधों पर उस घर से मेरी आरती निकलेगी। नहीं बाबा नहीं, अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मुझे यही आश्रय दो। अब तो भगवान के घर से बड़े आश्रय मेरे लिए और नहीं है। जैसी प्रभु की इच्छा। हा हा हा, आज फिर सती सीता आश्रय ढूंढ रही है। तुम यही निश्चिंत होकर रहो बेटी, किसी को खबर न होगी। अरे भाभी, तुम होश में आ गई, ये दवाई लीजिए डॉक्टर ने दिया है, और कहा है हर चार घंटे बाद एक खुराक और पूरा आराम। बढ़िया, तो इसी ने तुम्हें बेहोशी की हालत में नदी के किनारे से उठाया। तुमने? हाँ हाँ बेटी, इसी पापी की वजह से तुम्हारी जान बची। गुरुदेव, पापी नहीं, आप मुझे माँ पापी कहिए, क्योंकि मैंने माता जी की सारी साजिश पर पानी फेर दिया है, और अब देखते जाइए मैं इस सोने की लंका में कैसे आग लगाता हूँ।